दोस्तों, चिड़ियों को तो रोज आप अपनी आंखों से आसमान में उड़ते हुए देखते होंगे और चिड़ियों का उड़ना उनकी आवाज बेहद ही खूबसूरत होती है। लेकिन चिड़ियों में भी कई चिड़ियां ऐसी होती हैं जिन्हें शिकार करके खाना बहुत पसंद होता है, क्योंकि हर चिड़िया अपने आप को फूल का रस चूस कर जिंदा तो नहीं रख सकती। दोस्तों, सबसे पहले इस सीगल को देखते हैं जो कि वाकई में एक बहुत ही शिकारी बर्ड होती है। जैसे कि इस क्लिप में सीगल ने खरगोश का शिकार किया और उस खरगोश को नोच के खाने की जगह सीधा गटक जाना इस सीगल को बेहतर लगता है। और यहाँ पर तो इस सीगल ने इस छोटी चिड़िया पर ही हमला कर दिया और इसे भी मारने के बाद सीगल निगलना ही बेहतर समझती है। और यहाँ पर तो ये सीगल इस चिड़िया के बच्चे को चोंच गड़ा गड़ा कर मारती है। और जब सीगल को लगने लगता है कि अब बहुत चोंच गड़ा लिया इस बच्चे को, तो फिर उस बच्चे को उठाकर खाने के लिए वहाँ से ले जाती है। दोस्तों, शक्ल से मासूम दिखने वाली ब्लू बर्ड को आप मासूम तो बिल्कुल भी मत समझना, क्योंकि इस क्लिप में आप देख सकते हैं ये चिड़िया कैसे इस बर्ड को जंगली की तरह नोच रही है और बेचारी चिड़िया का एक एक पंख निकालने में लगी हुई है और फिर बर्ड की गर्दन पर चोंच गड़ाकर उसे खाना भी शुरू कर देती है। अब यहाँ पर ये बेचारे बच्चे खाने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन इन्हें क्या पता था कि ये खुद भी किसी चिड़िया का खाना बन सकते हैं। और यही होता भी है, क्योंकि ब्लू बर्ड इतनी तेजी से आकर इनमें से एक बच्चे को उठाकर ले जाती है कि कुछ समझ में ही नहीं आता। दोस्तों, अब यहाँ इन बर्ड्स को देखो जो पहले तो अपना अपना खाना खा रही थी, फिर शायद मैगपाई नाम की इस बर्ड को खाना खाने में मजा नहीं आता, या फिर बस ये इस बर्ड की चाल रही हो, क्योंकि जैसे ही दूसरी बर्ड मैगपाई के करीब आती है वैसे ही एक सटीक हमले से मैगपाई इस बर्ड को पकड़ लेती है और चोंच गड़ा गड़ा कर उसे मौत के घाट उतार देती है। लेकिन तभी बिल्ली के नाक में शायद खाने की महक चली जाती है और शिकार करता कोई और है और खाती बिल्ली है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं मैगपाई को एक छोटी चिड़िया मिलती है जिसके ऊपर चढ़कर मैगपाई अपनी चोंच से उसकी जान निकालने में लगी हुई है। अब दोस्तों, यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही नजारा है, क्योंकि आप देख सकते हैं मैगपाई किसी इंजेक्शन की तरह इस बर्ड पर अपनी चोंच से हमला करती जा रही है और जब चिड़िया मर जाती है तो उसका पर नोच कर मैगपाई उसे खाने की तैयारी करती है। दोस्तों, कौवे तो आपको रोज दिखते होंगे। अब जैसे कि इस खरगोश को देखो जिसे अंदाजा हुआ कि इसके बच्चे की जान खतरे में है, और जैसे ही खरगोश अपने बच्चे के पास पहुंचता है तो देखता है कि एक काला कौवा उसके बच्चे को बड़ी बेदर्दी से मार रहा है, जिसे देखकर खरगोश की रूह कांप जाती है और रूह कांपने की वजह से खरगोश की हिम्मत नहीं होती कि अपने बच्चे को इस काले कौवे से बचा पाए। अब यहाँ पर इस चील को आप पेड़ की चोटी पर बैठा हुआ देख सकते हैं, लेकिन ये चील देखती है कि कुछ कौवे ग्रुप बनाकर इस पर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे कौवे के तो बस की बात नहीं थी कि इस चील का शिकार कर ले, लेकिन चील लफड़ा नहीं चाहती थी, इस वजह से खुद वहाँ से निकल जाना ही उसे बेहतर लगता है। दोस्तों, ये है स्कुआ बर्ड जो कि पेंगुइन से बेतहाशा प्यार करती है, लेकिन असली वाला प्यार नहीं, बल्कि इन बर्ड्स को पेंगुइन का शिकार करना बहुत ज्यादा पसंद होता है। अब जैसे कि इस स्कुआ ने यहाँ पेंगुइन के बीच में से इसके बच्चे को उठाया और उसका पोस्टमार्टम कर दिया। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि जब ये स्कुआ बर्ड इन पेंगुइन के पास आती है तो पेंगुइन को भी इससे खतरा महसूस होता है, क्योंकि पेंगुइन जानती है कि इस बर्ड से इनके बच्चों के लिए कितना ज्यादा खतरा है, और इसी वजह से पेंगुइन काफी कोशिश करती हैं कि ये चिड़िया इसके बच्चों से दूर रहे। लेकिन फिर भी स्कुआ पेंगुइन को पिछवाड़े से पकड़कर उसका पिछवाड़ा हटाती है और दोनों बच्चों को चोंच में दबाकर वहां से ले जाती है। लेकिन एक बच्चे की किस्मत बहुत अच्छी थी, क्योंकि वो रास्ते में ही गिर जाता है और दूसरा बच्चा स्कुआ के पेट में पहुंच जाता है। लेकिन रुको, क्योंकि दूसरा बच्चा भी पेट में पहुंच गया। दोस्तों, बिचारी पेंगुइन साथ में होकर भी अपने बच्चों को इन स्कुआ से नहीं बचा पाती, और यहाँ भी ऐसा ही होता है, और फिर दोनों स्कुआ मिलकर इस बेचारे बच्चे की गर्दन चीरने में लग जाते हैं और फिर खाना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, अब इस चिड़िया को ग्रेटर कुकल्स कहते हैं और इन पक्षियों की रफ्तार ही इन्हें शिकार करने में बहुत ज्यादा मदद करती है। और आप देख ही सकते हैं कि कैसे ये बर्ड इस चूहे को चोंच से दबाकर इसकी सांस रोक देती है और फिर चूहे की टांग पकड़कर उसे खाने की कोशिश करती है। और यहाँ पर तो इस कुकू बर्ड ने एक कोबरा सांप को जमीन पर देख लिया और अब ये बर्ड इस कोबरा पर हमला तो करती है, लेकिन इसे भी इस बात का अंदाजा होता है कि कोबरा भी हमला कर सकता है। और एक समय तो लगता है कि कहीं कोबरा कुकू के ऊपर भारी ना पड़े, लेकिन कुकू की एक चोंच में कोबरा का काम तमाम हो जाता है। यहाँ पर इन दो कुकू बर्ड को काफी बड़ा सांप मिल जाता है, और सोचो इतना बड़ा सांप लेकिन फिर भी बर्ड इन पर भारी पड़ रही है, और बस सांप का काम लगने ही वाला है। दोस्तों, आपको तो पता ही है कि ईगल कितने खतरनाक पक्षी होते हैं, और इन्हीं की एक प्रजाति होती है जिसे हम हार्पी ईगल कहते हैं, और ये ईगल बड़े शिकार करने में माहिर होते हैं।
जैसे कि आप देख सकते हो, इस ईगल ने एक बंदर को अपने पंजों में दबाया हुआ है और इसे लेकर बड़ी आसानी से ईगल उड़ भी पा रही है। यहाँ पर भी इस ईगल को एक बंदर दिखता है, जिसे देखते ही ईगल उड़ान भरती है और सीधा इस बंदर के ऊपर लैंड करती है और एक बार में बंदर की जान निकल जाती है। दोस्तों, गिद्ध को तो आप सब जानते ही होंगे और ये पहले से मरे हुए जानवर को खाना ज्यादा पसंद करते हैं। और यहाँ तो आप देख ही सकते हैं, इस मरे हुए जीव के पास कुछ सेकंड में ही गिद्धों का जमावड़ा लग जाता है और इतने सारे गिद्ध तो कुछ देर में ही इस जानवर को साफ कर देंगे। लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता कि गिद्ध सिर्फ मरे हुए ही जानवर को ही खाएं, क्योंकि कभी कभी ये शिकार भी करते हैं। जैसे कि यहाँ पर इन गिद्ध को एक हिरण का बच्चा मिल जाता है, जिसके ऊपर ये लोग चढ़ाई कर देते हैं और देखते ही देखते उस बच्चे को मिलकर गिद्ध मार देते हैं। और यहाँ पर इस गिद्ध को देखो, जो पहले तो इस मरे हुए जीव के ऊपर चढ़ जाता है और फिर उसका पेट नोच कर खाने की कोशिश करता है। दोस्तों, अब जैसे कि स्कुआ पेंगुइन के बच्चों के दुश्मन होते हैं, वैसे ही जायंट पेट्रोल बर्ड बच्चों की अम्मा का शिकार करते हैं। और यहाँ तो कितनी आसानी से, जब ये पेंगुइन का बच्चा अपने ग्रुप से बिछड़ जाता है तो फिर पेट्रोल बर्ड अपना असली रूप दिखाती है और देखते ही देखते बच्चे को मार देती है। यहाँ तीन पेट्रोल मिलकर इस पेंगुइन का शिकार करने में लगी हैं और आप देख ही सकते हैं कि कितनी ज्यादा खतरनाक तरीके से ये बर्ड इस पेंगुइन को मारकर इसे खाने में लगे हुए हैं। दोस्तों, हंस तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन ये गुस्सैल हंस, जिन्हें म्यूट स्वान के नाम से जाना जाता है, हम नहीं चाहेंगे कि इनसे आपका पाला पड़े, क्योंकि इनसे तो कुत्ते भी डरते हैं। और वो इसलिए क्योंकि इस वीडियो को देखिए, जिसमें ये हंस इस कुत्ते को डुबो कर मारने की कोशिश कर रहा है। और दोस्तों, आप इनकी खूबसूरती पर तो बिल्कुल भी मत जाइएगा, क्योंकि इनके गुस्से से कई लोगों की जान जा चुकी है। जैसे कि 2012 में इन हंस ने एक 37 वर्षीय आदमी को मार डाला था, और वो आदमी क्या कर रहा था, सिर्फ पानी में बोट चला रहा था और इन हंस ने उस पर हमला करके उसे पानी में गिरा दिया, जिसकी वजह से वो आदमी डूब जाता है और उसकी मौत हो जाती है। अब दोस्तों, एक नन्ही से गुंडी चिड़िया के बारे में जानते हैं, जिसे प्यार से पुटोहिट नाम से जाना जाता है। और आप ये जान के हैरान हो सकते हैं कि ये नन्ही सी जान दुनिया के सबसे खतरनाक पक्षियों में से एक है। ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी समुद्री तटों पर पाई जाने वाली ये चिड़िया बहुत ज्यादा जहरीली होती है। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, ये छोटी सी चिड़िया किसी सांप की तरह जहरीली होती है। और हमें नहीं लगता इससे पहले आपने किसी जहरीले पक्षी को देखा होगा, लेकिन इसके साथ साथ इन पक्षियों की आवाज बड़ी प्यारी होती है। लेकिन इस तट पर जंगलों में रहने वाले आदिवासी इन पक्षियों की काबिलियत के बारे में अच्छे से जानते हैं, इस वजह से वो इन पक्षियों से दूरी रहना ज्यादा पसंद करते हैं। दोस्तों, इन मासूम से दिखने वाली गुंडी चिड़ियों के अंदर न्यूरोटॉक्सिक जहर पाया जाता है, जो अगर हम इंसानों की बॉडी में चला जाए तो पूरी बॉडी पैरालाइज कर सकता है, और सही समय पर अगर आपका इलाज ना हो तो विक्टिम की मौत भी हो सकती है। दोस्तों, अब एक ऐसे पक्षी को आपको दिखाते हैं जो अपनी चोंच को किसी थैली की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, और इनका नाम द ग्रेट व्हाइट पेलिकन होता है। और ये अपनी चोंच को कैसे एक थैली में बदल लेते हैं, तो वो ऐसे दोस्तों, इनकी चोंच का जो निचला हिस्सा होता है वो काफी सॉफ्ट और इलास्टिक टाइप के मटेरियल से बना होता है, जिससे मछलियां भी आसानी से पकड़ लेती हैं। और इनकी एक खासियत ये भी है कि ये सांपों की तरह बिना शिकार को चबाए निकल जाती हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि ये पक्षी इतने खतरनाक हैं कि सिर्फ मछली ही नहीं, बल्कि कबूतर और अन्य छोटे साइज के पक्षियों को भी जिंदा खा जाते हैं। और इस वीडियो में आप ये साफ साफ भी देख सकते हैं कि ये सिर्फ जानवरों के लिए ही नहीं, बल्कि पक्षियों के लिए भी खतरनाक है। मतलब अगर आप कहीं इन पक्षियों को देखना तो ये मत सोचना कि कितनी खूबसूरत बर्ड है, क्योंकि अगले ही पल ये बर्ड आपको पता नहीं क्या खाते हुए दिख जाए और आप फिर सोचे कितनी गंदी बर्ड है। अब इस बर्ड की शक्ल तो एकदम छठे हुए बदमाश की तरह लग रही है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, इन्हें कैसावरी नाम से पुकारा जाता है, और ये उन जानवरों में आते हैं जिन्हें एनिमल किंगडम का गुंडा कहना तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, क्योंकि इंसान को देखते ही ये पक्षी उन पर हमला करने लगते हैं। और इन बर्ड्स का दूसरा नाम किलर ऑफ मैन है, जो कि ये साफ करता है कि ये इंसानों में भी मर्दों पर ज्यादा हमला करती हैं, ना कि औरतों पर। और शुरुआत में हमने इस बर्ड को बदमाश इसलिए कहा क्योंकि ये हम इंसानों को अपनी एक जोरदार किक से अच्छी खासी चोट पहुंचा सकती हैं, और इन बदमाशों से भाग पाना भी इंसानों के बस की बात नहीं है, क्योंकि इनकी स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटे से भी तेज है। और अक्सर ये पक्षी मर्दों से खाना चुराने के चक्कर में उन्हें मार देती हैं। लेकिन हमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हमारे देश में तो नहीं पाई जाती। तो दोस्तों, बस आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।